तो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप सीजर की हेल्प से इमेज का कलर कैसे चेंज करते हो कर सकते हो, उसका उसको ब्लर कैसे कर सकते हो। तो आज हम इमेज की कुछ फिल्टर प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें फिल्टर फिल्टर ब्लर, तो अगर हम इसकी वैल्यू अगर 1 पिक्सल कर दें तो ये इमेज हो जाएगी ब्लर। जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे ये ब्लर होती जाएगी। अगर हम इसको 10 पिक्सल कर देंगे तो ये और ब्लर हो जाएगी, और 5 पिक्सल करेंगे तो थोड़ी सी और कम ब्लर होगी। सेम वैसे ही ब्लर हो गया। एक होता है हमारा ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो में जैसे कि अगर हम रखें 3 पिक्सल, 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, 0.0, तो यहाँ से इसके अगर ट्रांसपेरेंट होता तो यहाँ पे कॉर्नर पे आता है ये बॉक्स है। तो अभी क्या रहा है कि ये आउटर साइड में जा रहा होगा, ये देख रहे हो ना, यहाँ हमको शैडो दिख रहा है यहाँ पे। तो हम इसको थोड़ा मार्जिन दें, मार्जिन 10 पिक्सल, तो यहाँ पे आप बॉर्डर शैडो देख सकते हो। अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो ये यहाँ पे आता। सेम ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होती है सेचुरेट। सेचुरेट में क्या होता है कि इसका कलर को और सेचुरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें 1 पास करें या फिर 100%, जिसके परसेंटेज पास अगर हम इसको 120% करें तो ये और रेड हो जाएगा, सेचुरेट मतलब और डार्क हो जाएगा। ये 150% करें तो और डार्क हो जाएगा, 180% करें तो और डार्क हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका जो सेचुरेशन है वो रिड्यूस या घटा या बढ़ा सकते हो। अगर इसको मैं 30% कर दूँ तो ये थोड़ा ग्रे टाइप में जाएगा। और एक होता है हमारा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में भी हमारा होता है कि इसका डार्कनेस या फिर जो इसका कलर होता है कितना ब्राइट होता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको 130% करें तो ये अब इसका सेचुरेशन और बढ़ा, कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया। अगर इसका 180% करें तो ये और कॉन्ट्रास्टेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस फिल्टर प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप इमेज इमेज का कलर और उसका जो टाइप है वो चेंज कर सकते हो। एक होता है हमारा ग्रे स्केल। अगर हम यहाँ पे 1 पास करें तो ये पूरा ग्रे हो जाएगा। अगर 0 रहेगा तो ग्रे जीरो रहेगा। अगर ग्रे 1 कर देंगे तो ये पूरा ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होगा हमारी प्रॉपर्टी। ये होती है हमारी प्रॉपर्टी ओपेसिटी, फिल्टर ओपेसिटी। अगर इसको हम 0.4 करें तो ये थोड़ा और ब्लर हो जाएगा। ब्लर के मतलब ओपेसिटी डाउन हो जाएगी इसकी। अगर 0.1 करेंगे तो और हल्का हल्का दिखेगा हमको। 0.2 को ठीक करें तो और थोड़ा सा और डार्क और गाढ़ा दिखेगा, और पूरा 1 कर देंगे तो ये कम्प्लीटली दिखेगा। और इसकी वैल्यू 0 से 1 तक ही होती है ओपेसिटी की। सो इन दिस वे यू कैन जस्ट चेंज द कलर ऑफ इमेजेस यूजिंग फिल्टर प्रॉपर्टी फॉर द इमेजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।